ट्रेविस हेड अभिषेक शर्मा बेस्ट आईपीएल ओपनिंग जोड़ी ऑफ आईपीएल 2024। इनसे बेहतर ओपनिंग कोई नहीं कर रहा, कोई नहीं कर सकता, ऐसा हमें देखने को मिला आज के एक और मुकाबले में। ये टीम लगभग 3 बार 250 से ज्यादा बना चुकी है, मात्र इस सीजन 3 बार आरसीबी के स्कोर को तोड़ चुकी है, जो कि इससे पहले इस सीजन से पहले हाईएस्ट इंडिविजुअल टीम स्कोर था 263 रन का, वो उन्होंने 3 बार तोड़ दिया है। एक बार 287, एक बार 277 के करीब और एक बार फिर से आज के मुकाबले में 266 रन बनाकर आरसीबी की टीम को टॉप 5 की लिस्ट से भी बाहर कर दिया है। इसी के साथ ही पॉइंट्स टेबल पर नंबर 2 की पोजीशन सिक्योर कर ली है। चेन्नई सुपर किंग को नंबर 4 पर धकेल दिया है और बात करें लखनऊ की तो वो टॉप 4 से भी बाहर हो चुकी हैं। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं पॉइंट्स टेबल की, अब कौन सी टीम कहां पर स्टैंड कर रही है, कौन सी टीम को कितने मुकाबले चाहिए प्लेऑफ में क्वालिफाई करने की, सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक जरूर से जुड़े रहिएगा। अंत में आकर अगर वीडियो पसंद आती है तो फिर दोस्तों वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। लाइक और सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता, नीचे एक रेड कलर का बटन है उसको हिट कर दो, लाइक का बटन आ रहा होगा उसको दबा दो, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कुछ भी आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं, बस बटन दबा रहे हैं और आप जुड़ जाओगे हमारी इस फैमिली से और मिलती रहेंगी आपको आईपीएल 2024 से हर छोटी बड़ी रिलेटेड अपडेट सबसे पहले और सबसे तेज। अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस बात करेंगे बॉटम ऑफ द टेबल टीम आरसीबी से। अब इनका मुकाबला आज है दोपहर में कोलकाता नाइट राइडर्स से, जो कि नंबर 3 स्थान पर विराजमान है। अब आरसीबी ने खेले हैं 7 मुकाबले, मात्र 1 मुकाबला जीता है, 6 मुकाबले इन्होंने हारे हैं। नेट रन रेट भी इनका काफी ज्यादा खराब है। अगर बात करें कैसे कर सकती है क्वालिफायर, तो इनके लिए बचे हैं 7 मुकाबले और 7 इनको लाइन से जीतने पड़ेंगे, मतलब कि इनके लिए ये नॉकआउट टूर्नामेंट हो चुका है। अभी से ही लगातार 7 मुकाबले जीतोगे तो आप कर सकते हो प्लेऑफ में प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई, वरना ये टीम आपको बाहर होते हुए दिख जाएगी शायद आज ही, अगर ये हार जाती है कोलकाता नाइट राइडर्स से। तो अब बात करें नंबर 9 की, तो नंबर 9 पर एक और टीम है जिसका आज मुकाबला है और मुकाबला है गुजरात टाइटंस से, वो है पंजाब किंग्स की टीम। 7 मुकाबले इन्होंने खेले हैं, 2 मात्र जीते हैं, 5 मुकाबले हार रखे हैं। अगर बात करें नेट रन रेट की तो -0.27 का इनका कुछ नेट रन रेट है। अगर इनको करना है क्वालिफाई तो इनको मार्जिन ऑफ एरर है केवल इनके पास 1 मैच का, मतलब इनके बचे हैं 7 मुकाबले, इनको 6 मुकाबले मस्ट जीतने पड़ेंगे। अगर 6 मुकाबले जीतने में कामयाब हो जाते हैं तो ये कर सकते हैं क्वालिफाई, वरना ये भी आपको बाहर होते हुए दिख सकते हैं और मोस्ट प्रोबेबली हो जाएंगे। इसके बाद अगर बात करें 8वें स्थान की टीम की, तो 8वें स्थान पर टीम है दोस्तों गुजरात टाइटंस की। अब इनका भी मुकाबला आज है, टॉप और बॉटम ऑफ द टेबल 3 टीम्स का मुकाबला आज है और गुजरात का मुकाबला है पंजाब से। 7 मुकाबले इन्होंने खेले हैं, मात्र 3 जीते हैं, 4 मुकाबले इन्होंने हार रखे हैं। नेट रन रेट की बात करें तो फिर -1.303 का इनका नेट रन रेट है। अगर इनको करना है क्वालिफाई तो बचे हैं इनके लिए 7 मुकाबले और जीतने पड़ेंगे 5, 7 में से अगर 5 जीतने में कामयाब हो जाते हैं तो ये कर सकते हैं क्वालिफाई। वैसे कंडीशन इनकी बहुत बुरी लग रही है, बिकॉज आखिरी मुकाबले जिस हिसाब से दिल्ली से हारे हैं वैसे देख के लग नहीं रहा कि गुजरात यहां से कम बैक कर सकती है, और वी शैल फाइंड आउट आज के मुकाबले होता क्या है, या तो पंजाब या फिर गुजरात आज किसी एक टीम के मंसूबों पर पानी फिरेगा और किनारे पर खड़ी हो जाएगी टीम आईपीएल से बाहर होने के। अब बात करें 7वें स्थान की टीम की, जिन्होंने कल ही मुकाबला खेला है और वो टीम है दिल्ली कैपिटल्स की टीम। अब उन्होंने खेले हैं 8 मुकाबले, 3 मात्र जीते हैं, 5 मुकाबले हार चुकी है और लास्ट मुकाबले तो बहुत ही गंदी तरीके से हार रखी है, ऑलमोस्ट 70 के करीब रन से ही मुकाबला हारी है, तो नेट रन रेट पर काफ़ी असर पड़ा है। अगर बात करें इनके होते हैं पॉइंट्स 6, अगर बात करें नेट रन रेट की तो -0.477 का। अगर इनको करना है क्वालिफाई तो बचे हैं 6 मुकाबले और 6 में से इनको जीतने पड़ेंगे मस्ट 5, मतलब इनके लिए भी मार्जिन ऑफ एरर मात्र 1 मैच का बचा हुआ है। अगर वो मैच हार जाते हैं तो इनके लिए पूरा टूर्नामेंट डू और डाइव टूर्नामेंट हो जाएगा, तो इनके लिए भी मुश्किल है ये क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर बात करें 6वें स्थान की टीम की, तो वहां पर है मुंबई इंडियंस की टीम। उन्होंने खेले 7 मुकाबले, मात्र 3 जीते हैं, 4 मुकाबले हार रखे हैं। और बात करें पॉइंट्स की तो जाते हैं 6, अगर बात करें नेट रन रेट की तो -0.133 का। अब इनको अगर करना है क्वालिफाई तो बचे हैं 7 मुकाबले, 7 में से इनको मस्ट जीतने पड़ेंगे 5, अगर 5 मुकाबले जीतने में कामयाब हो गए तो ये कर सकते हैं क्वालिफाई, वरना इनके लिए भी ये बाहर जाने का रास्ता ऑलमोस्ट बन चुका है। अगर बात करें 5वें स्थान की टीम की, तो वहां पर है लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम। इन्होंने खेले हैं 7 मुकाबले, 4 मुकाबले जीते हैं, मात्र 3 मुकाबले हारे हैं। बात करें पॉइंट्स की तो जाते हैं 8, नेट रन रेट इनका पॉजिटिव में है, +0.123 का इनका नेट रन रेट है, तो अगर इनको करना है क्वालिफाई तो बचे हैं 7 मुकाबले और 7 में से फिर से इनको 4 मुकाबले जीतने होंगे। अगर 4 जीतने में कामयाब हो गए तो ये कर सकते हैं क्वालिफाई, वरना ये हो सकते हैं बाहर।
अब बात करें चौथे स्थान की टीम की, तो चौथे स्थान पर है चेन्नई सुपर किंग की टीम। अब इन्होंने कहे हैं 7 मुकाबले 4 मुकाबले जीते हैं, 3 मुकाबले हारे हैं। बात करें पॉइंट्स की तो हो जाते हैं 8, नेट रन रेट की बात करें तो 0.529 का। अगर इनको करना है क्वालिफाई तो इनके लिए भी सेम सिनेरियो है लखनऊ की तरह, बस नेट रन रेट इनका काफ़ी बेहतर है लखनऊ से। तो 7 मुकाबले इनको बचे हैं और 4 जीतने पड़ेंगे अगर करना है क्वालिफाई। अगर जीत जाते हैं तो हो सकते हैं क्वालिफाई। अगर बात करें तीसरे स्थान की टीम की, तो कोलकाता नाइट राइडर तीसरे स्थान पर आ चुकी है दूसरे स्थान से। तो 6 मुकाबले इन्होंने खेले हैं, 4 मुकाबले जीते हैं, 2 मुकाबले हारे हैं। बात करें पॉइंट्स की तो जाता है 8, नेट रन रेट की बात करें तो काफी बेहतर पॉजिटिव है 1.399 का। अगर बात करें कैसे कर सकते हैं क्वालिफाई, तो क्वालिफाई करने के लिए इनको बचे हैं यहां पर 8 मुकाबले, 8 में से 4 मुकाबले मात्र जीतने होंगे, मतलब हर अल्टरनेटिव मुकाबला इनको जीतना होगा। अगर एक जीतने में कामयाब हो गए तो ये कर सकते हैं क्वालिफाई। इनका आज मुकाबला है आरसीबी से, अगर ये मुकाबला जीतने में कामयाब हो गए तो प्लेऑफ की क्वालिफिकेशन रेस पर ये और करीब आ जाएंगे और दूसरे स्थान पर ये विराजमान हो जाएंगे। अगर बात करें दूसरे स्थान की टीम की, तो वहां पर है एसआरएच की टीम। इन्होंने के लिए 7 मुकाबले 5 मुकाबले जीते हैं, 2 मुकाबले मात्र हारे हैं। अगर बात करें पॉइंट्स की तो जाते हैं 10। अगर बात करें नेट रन रेट की तो 0.914 का पॉजिटिव है इनका नेट रन रेट है। अगर इन करना है क्वालिफाई तो बचे हैं 7 मुकाबले और 7 में से इनको जीतने पड़ेंगे मात्र 3। अगर 3 जीतने में कामयाब हो गए तो ये कर सकते हैं क्वालिफाई और काफी ज्यादा चांसेस हैं ये क्वालिफाई कर जाएंगे। और ये टीम जिस हिसाब से खेल रही है तो क्वालिफाई तो ये बिल्कुल करने वाली है मुझे ऐसा लगता है। अगर बात करें नंबर 1 टीम की, तो वहां पर है राजस्थान रॉयल्स की टीम। उन्होंने के लिए 7 मुकाबले 6 मुकाबले जीते हैं, मात्र 1 मुकाबला हारा है। बात करें पॉइंट्स की तो जाते हैं 12। अगर बात करें नेट रन रेट की तो 0.677 का। अगर इनको करना है क्वालिफाई तो इनको ज्यादा कुछ नहीं करना, 7 मुकाबले जीत बचे हुए हैं, मात्र 2 जीत जाइए 100% आपको ये टीम क्वालिफाई करते हुए दिख जाएगी। तो अब आप बताइए आप कौन सी 4 टीमों को क्वालिफाई करते हुए देखना चाहते हो? क्या कोलकाता की टीम क्वालिफाई करेगी, क्या एसआरएच की टीम टॉप ऑफ द टेबल जो फिनिश करेगी 1 और 2 पोजीशन पर? राजस्थान तो ऑलमोस्ट क्वालिफिकेशन के करीब खड़ी हुई है। आप बताइए आपके हिसाब से कौन सी 4 टीमें होने वाली हैं जो कि क्वालिफाई करेंगे प्लेऑफ के लिए, अपनी राय जो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और लाइक और सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब फ्री ऑफ कॉस्ट है, कर दिया करो, जुड़ जाओगे चैनल के साथ, मिलती रहेंगी अपडेट। अब मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।